नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया शर्मा आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम बात करेंगे इंग्लिश के बारे में। सबसे पहली बात तो ये कि जब बात आती है इंग्लिश के टॉपिक की या फिर इंग्लिश सब्जेक्ट की जब बात आती है, तो हमारे नॉर्थ इंडिया की बात करें या फिर बात करें आप स्पेशली राजस्थान की, बच्चों में एक डर है इंग्लिश को लेकर के। बच्चे को ये लगता है कि इंग्लिश बहुत ही टफ है, हमसे तो हो ही नहीं पाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप इंग्लिश को देखेंगे, इसका जो असली रूप है वो कुछ इस तरह से है। सबसे पहली बात तो ये कि इंग्लिश जो है वो एक स्टैटिक सिलेबस हो सकता है, लेकिन अपने आप में एक बहुत ही टेक्निकल और लॉजिकल सब्जेक्ट है इंग्लिश, ठीक है। दूसरी बात ये कि इंग्लिश अपने आप में इतनी सरल और इतनी सरल भाषा है कि अगर आप सोचिए, अगर ये इतनी सरल नहीं होती तो क्या विश्व के 198 देशों में इंग्लिश बोली जाती? जैसे कि सपोज किसी को हिंदी नहीं आती, किसी को मारवाड़ी नहीं आती, किसी को गुजराती नहीं आती, लेकिन अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक आप कहीं भी जाइए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। रीज़न ये है कि इंग्लिश अपने आप में ग्लोबल लैंग्वेज है, ठीक है। अब तक जो हमसे गलती हुई या फिर अब तक जो एक जो ढर्रा चलता आ रहा था, उसमें ये हो रहा था कि इंग्लिश को रट करके पढ़ाया जाता था और बच्चे आज तक इंग्लिश को रटते जा रहे थे। उन्होंने कभी समझने की कोशिश नहीं करी या फिर उनको ऐसा मौका नहीं मिला या फिर किसी ने उनको समझाया नहीं ढंग से, इस वजह से उनको इंग्लिश को लेकर के इतना भय उनमें व्याप्त है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे इंग्लिश के बारे में कि देखिए आप इसे समझिए कि ये किस तरह से लॉजिकल है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसमें हमारा जो टॉपिक है उसमें हम बात करें टेंस की। अब जैसे ही बात आती है टेंस की तो बच्चे के दिमाग में सबसे पहले एक चीज़ आती है कि यार टेंस तो मुझे आती, टेंस मुझे आने का मतलब हो गया रहा, रहे, रही, था, थे, थी, ता, ते, थी। तो ये जो ताता थैया वाला सीन है, इसका टेंस से कोई लेना देना नहीं। आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में टेंस होता क्या। इन जनरल बच्चे अगर बात करेंगे तो टेंस में वो कहेंगे हमें पता है टेंस का मतलब काल होता है, पर ये भी सच नहीं है। अच्छा, ये कैसे लॉजिकल है, आज हम इसको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करके मैं आपके बेसिक्स क्लियर करती हूँ। अगर एक बार आपके बेसिक्स क्लियर हो गए तो आप मान के चलिए कि LDC से लेके UPSC तक ऐसी कोई एग्जाम नहीं है जिसमें कैसा भी क्वेश्चन है आप उसे क्रैक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम बात करें टेंस की। अच्छा, जब टेंस की बात की जाती है तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि हम टेंस की बात क्यों कर रहे हैं। टेंस की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि टेंस इकलौता ऐसा टॉपिक है पूरे इंग्लिश ग्रामर में जो अपने आप में 8 जो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनको ये कवर करता है। अगर मैं शुरू कर दूँ, जैसे सिलेबस में आप देखेंगे कहीं पे नाउन से शुरू हुआ है, कहीं पे प्रोनाउन से शुरू हुआ है, वो सिलेबस की बात है। लेकिन अगर आप टॉपिक्स की बात करेंगे तो अगर आप टेंस से शुरू करते हैं तो आप मान के चलिए कि उस पूरे एक सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट का भी पता चलेगा, वर्ब का भी पता चलेगा, प्रीपोजिशन का भी पता चलेगा। इस तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच को ये कवर करते हुए चलता है। तो जैसा कि उसको कवर करता है, तो अगर हम इसको ईजिली या फिर उसको हम ढंग से टेक्निकली समझते तो बाकी के जो टॉपिक्स होते हैं वो आपके समझ लिए समझना बहुत ईजी हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे टेंस की। अगर हम मैं भी आज आपको अगर इंग्लिश को हिंदी में पढ़ाती हूँ या आपने और कहीं से अगर इसको हिंदी में पढ़ा होगा तो उसमें आपको क्या डिफरेंस नज़र आता है, उस पर हम थोड़ा सा बात करेंगे। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं टेंस का मतलब क्या है तो आप इसका हिंदी में बताएंगे काल। इंग्लिश का मतलब आप बताएंगे काल। अच्छा, काल को जनरली लोग किससे डिनोट करते हैं? इसको डिनोट करते हैं टाइम से, यानी कि समय से। लेकिन इंग्लिश में आप देखिए, हम लोग ये सोचते हैं कि इंग्लिश और हिंदी का जो ट्रांसलेशन है वो एज इट इज ही रहता है, पर ऐसा नहीं है। अगर आपने टेंस को हिंदी में, अगर आपने इसे काल बताया है कि इसका मतलब काल होता है, तो इंग्लिश में आप देखिए टेंस का मतलब होता है, इसमें दो चीज़ें होती हैं। क्या होती हैं? एक तो इसमें सबसे पहले होता है टाइम और दूसरा इसके अंदर होता है एक्शन। अगर किसी सेंटेंस में, अगर किसी वाक्य में समय के साथ अगर कोई एक्शन दिया है या एक्शन के साथ अगर कोई समय दिया है तभी आप उसे टेंस कह पाएंगे, अदरवाइज वो टेंस नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब इसमें भी आप देखिए, जैसे मैंने कहा टेंस का मतलब हो गया काल, काल का मतलब हिंदी में समय, लेकिन इंग्लिश में अगर हम बात करेंगे, हम इंग्लिश को इंग्लिश में ही पढ़ेंगे, हम इंग्लिश को आज हिंदी में नहीं पढ़ेंगे। अब तक आपने जैसे भी पढ़ा होगा, आप हमेशा मुझसे भी उम्मीद कर रहे हो कि अगर मैं आपको इंग्लिश पढ़ाती हूँ तो मैं आपको इंग्लिश हिंदी में पढ़ाऊँ, पर ऐसा नहीं होगा। मैं आपको इंग्लिश इंग्लिश में पढ़ाऊंगी और आपको समझाऊंगी कि ये कैसे समझ में आता है। तो देखिए, जैसे हमने कहा यहाँ पे टाइम, मैंने ये कहा कि अगर टेंस की बात आएगी तो उसमें दो चीज़ें आएंगी, एक तो आएगा आपका समय, दूसरा आपका आएगा इसमें एक्शन। अच्छा, समय का मतलब हो गया टाइम और एक्शन का मतलब हो गया आपका क्रिया, ठीक है। अब देखिए, टाइम की भी हम सबसे पहले जब बात करेंगे तो आप इस चीज़ को समझिए कि जब भी आप टेंस की बात करेंगे उसमें टाइम और एक्शन आएगा। तो टाइम तो अपने आप में एक नेचुरल कंसेप्ट है, आप इसके बेसिक को समझिए और बेसिक को समझते ही जानिए कि टाइम जो है वो अपने आप में एक नेचुरल कंसेप्ट है। नेचुरल कंसेप्ट का हिंदी मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं ये बता सकती हूँ नेचुरल कंसेप्ट का मतलब ये होता है कि समय कल भी था, आज है और आगे भी रहेगा, ये हो गया इसका नेचुरल कंसेप्ट, ठीक है। अब जब हम बात करेंगे एक्शन की, तो एक्शन अपने आप में ग्रामेटिकल कंसेप्ट है।
ग्रामेटिकल कंसेप्ट का मतलब होता है कि जब उसकी जरूरत होती है वहीं पे इसको यूज किया जाता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, कि जो टेंस है, टेंस का मतलब होता है काल। काल में दो चीज़ें निहित होती है, एक होता है आपका टाइम और एक होता है आपका एक्शन। लेकिन जब हम टाइम की बात करेंगे तो टाइम में आप पाएंगे कि टाइम अपने आप में एक नेचुरल कंसेप्ट है और जो एक्शन है वो अपने आप में ग्रामेटिकल कंसेप्ट है। तो नेचुरल कंसेप्ट वो इसलिए कि समय कल भी था, आज है और आगे भी रहेगा। और जब आप बात करेंगे एक्शन की यानी कि क्रिया की, तो वो जो होती है वो एक जरूरत के अनुसार हम उसको काम में लेते हैं और उसके हिसाब से वाक्य बनता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक्शन जो है वो अपने आप में एक ग्रामेटिकल कंसेप्ट है। यहाँ तक क्लियर हुआ? देखिए टेंस, टेंस का मतलब काल यानी कि समय हिंदी में, लेकिन जब हम इंग्लिश में बात करें तो टेंस का मतलब टाइम प्लस एक्शन की बात करी। टाइम में हमने कहा कि अपने आप में एक नेचुरल कंसेप्ट है, एक्शन में और एक्शन में हमने कहा कि अपने आप में एक ग्रामेटिकल कंसेप्ट है। अब देखिए जो टेंस होती है वो काम में क्यों आती है, तो एक बात को आप समझिए कि जब भी आप किसी सेंटेंस की बात करेंगे तो उस सेंटेंस में आप पाएंगे कि वहाँ पर कर्ता होगा, देन आपका कर्म होगा, देन आपकी क्रिया होगी। ठीक है, तो उस सेंटेंस में उस कर्ता का यानी कि सब्जेक्ट का, उस एक्शन का यानी कि क्रिया का, वर्ब का, और उस ऑब्जेक्ट का, उसका स्टेट क्या है। यहाँ पे स्टेट का मतलब किसी राज्य से नहीं, अवस्था से। कहने का मतलब ये कि जब किसी वाक्य की, जब किसी वाक्य में, सॉरी इसको ऐसे बोलेंगे हम, जब किसी वाक्य में आपको ये जानना हो कि वहाँ पे कर्ता, एक्शन यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब और जो ऑब्जेक्ट जो होता है उसका क्या अवस्था, उसकी क्या अवस्था, उसको अगर आपको जानना है तो उसके लिए आपको टेंस का सहारा लेना पड़ता है और उसी से आपको पता चलता है कि वो कौन से टेंस में। जैसे मैं आपसे कहूँ, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे ये कहती हूँ, मैंने ये कहा कि प्रिया, मैं कह रही हूँ प्रिया इज अ टीचर। अब मैं अगर आप लोगों से ये पूछूँ, इन जनरल अगर मैं पूछूँ कि जरा बताएंगे आप ये कौन से टेंस है, तो आप में से कई बच्चे हैं जिनके दिमाग में चल रहा हो कि यार इसमें इज का यूज आया तो ये प्रेजेंट टेंस होगी, यही कहेंगे आप लोग। देखिए प्रिया इज अ टीचर, बात आपकी ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे अगर हम टेंस की बात करें तो या ना तो यहाँ पे कोई एक्शन है, ना यहाँ पे कोई वर्ब है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट दिया हुआ है, समझ रहे हैं बात को, लेकिन और एक ये हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है। अब इसे समझने के लिए, इसे समझने के लिए, इसे जानने के लिए हम क्या करेंगे, हम टेंस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे जो प्रिया है वो अपने आप में एक सब्जेक्ट है, लेकिन प्रिया है क्या, प्रिया कौन है, मेरी क्या पहचान है, ये आपको किससे पता चलेगी, टेंस से पता चलेगी। तो जैसे ही मैंने ये बताया कि प्रिया इज अ टीचर, यानी वर्तमान में मैं क्या हूँ, मैं एक टीचर हूँ। अगर मैं पहले टीचर होती तो मेरा था प्रिया वाज अ टीचर। तो इसका मतलब ये कि जो आपका सब्जेक्ट है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट के बिना कोई सेंटेंस पूरा या शुरू हो ही नहीं सकता, इसलिए सब्जेक्ट की जो अवस्था होती है, उसकी जो स्थिति होती है, उसको बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हम टेंस का प्रयोग करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे कहा प्रिया इज अ टीचर। ठीक है, और मैं कहूँ नेक्स्ट, अगर मैंने कहा प्रिया इज टीचिंग इंग्लिश, अब यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ आप आकर के एक स्ट्रक्चर का सहारा लेंगे। ठीक है, उस स्ट्रक्चर से आप ये जान पाएंगे कि ये कौन से टेंस में है। लेकिन क्या इसको देख करके आप जान सकते हैं कौन से टेंस में, तो आपको दो चीज़ें क्लियर हुई। इन दोनों सेंटेंस को देखिए और इस बात को समझिए कि पहले वाले सेंटेंस में प्रिया इज अ टीचर यानी कि सब्जेक्ट की क्या अवस्था है, सब्जेक्ट आज किस स्थिति में, ये आपको किससे पता चलता है, सिर्फ टेंस से पता चलता है। तो ये आपको क्लियर हुआ आपका पहले वाले सेंटेंस में। दूसरे में कहा प्रिया इज टीचिंग इंग्लिश, यानी मेरा जो कर्म है, जो मैं यहाँ पे कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेंस जो है वो सब्जेक्ट के बारे में बताता है, प्लस वो एक्शन के बारे में बताता है, प्लस वो ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है। क्लियर हो गया? तो हम जब टेंस की बात करेंगे, इसके पूरे स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो हमारा शुरू से एंड तक वो चलेगा कैसे, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें। सबसे पहले देखिए, अब मैंने इसमें आपसे कहा कि टेंस की हम बात कर रहे थे, तो जनरली क्या होता है, टेंस को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला दैट इज प्रेजेंट टेंस, सेकंड दैट इज पास्ट टेंस, थर्ड दैट इज फ्यूचर। अच्छा, अब यहां भी समझिए दो चीज़ें हैं यहाँ पे। पहली चीज़ तो ये, अगर आप बात कर रहे हो प्रेजेंट टेंस की, तो प्रेजेंट टेंस में आपको ये पता है कि सब्जेक्ट क्या है,
एक्शन क्या है और टाइम क्या है, क्योंकि प्रेजेंट का मतलब हो गया का, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, दैट इज वर्तमान शायद, है ना, वर्तमान काल। पास्ट की बात करेंगे तो दैट इज भूतकाल, ओके। और इसकी बात अगर हम करेंगे तो ये भविष्यकाल। अब यहां पे आप देखिए कि प्रेजेंट टेंस में जब आप बात कर रहे हैं, मैंने कहा काल, काल में दो चीजें निहित है, एक है आपका टाइम प्लस एक्शन। भूतकाल में भी जब आप बात करेंगे तो वहां पे भी आपको टाइम और एक्शन का पता है, लेकिन क्या भविष्यकाल में आप ये कह सकते हैं, क्योंकि भविष्यकाल का मतलब ये हो गया आने वाला भविष्य, उसमें कोई काम हो भी सकता और ना भी हो। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि जो फ्यूचर है वो अपने आप टाइम को तो डिनोट कर रहा है, लेकिन एक्शन का आपको पता नहीं है, ठीक है, एक्शन का आपको पता नहीं है। अब देखिए, आपने जब पहले टेंस पढ़ा था तो उसमें क्या था, रहा, रहे, रही, ता, ते, ती, था, थी, ती, गागेगी, होगा, करूंगा, जाऊंगा, ठीक है, इस तरह से था। उसको आप किस में ले लेते थे, भविष्यकाल में। अब जरा मुझे बताइए कि आने वाले कल में मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगी या नहीं पढ़ाऊंगी, इसकी क्या गारंटी है भाई? कल, आज क्या है, आज गुरुवार है, कल शुक्रवार तो होगा, लेकिन क्या इस बात की गारंटी है कि शुक्रवार को प्रिया शर्मा क्लासेस लेगी? कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आप इस बात को लॉजिकली समझिए कि जो भविष्य में कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो घटने वाली होती हैं, तो वो हमें प्रेजेंट टेंस का उसमें सहारा लिया जाता है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि वो होगा या नहीं होगा। तो आप अपने दिमाग से, मैं इसलिए बता रही हूँ बात, कि आप सबसे पहले आप अपने दिमाग से ये चीज़ें निकालिए कि रहा, रहे, रही, गागेगी, ताते थी, थाते थी से मैं टेंस को समझ ही जाऊँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। इसको क्रॉस मारिए, अगर आपने आज तक ऐसे पढ़ा है तो आप बिल्कुल इसको निश्चिंत होकर क्रॉस मारिए, और आज से, अभी से आप लॉजिकली इंग्लिश को पढ़ना और इसे समझना शुरू कीजिए। अगर आप एक बार, आपके अगर बेसिक्स क्लियर होते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि चाहे वो LDC से लेकर UPSC तक का कोई भी एग्जाम हो, क्योंकि इंग्लिश की खास बात ये भी है कि आपका जो सिलेबस है, चाहे वो LDC का हो चाहे वो UPSC का हो, उसमें आप देखेंगे आपके वही आने हैं, टेंस, नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सारी चीज़ें, सिनोनिम, एंटोनिम्स, ओके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारे आते हैं। लेकिन इनमें फ़र्क क्या होता है, इनमें इनके लेवल का फ़र्क होता है, और वो लेवल का फ़र्क आपको कैसे क्लियर होगा, जैसे जैसे मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगी उसमें मैं आपको, जैसे सपोज अगर अपना प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हुआ तो उसमें मैं आपको 5 से 10 ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगी जिनका लेवल मैं आपको उसमें बताऊंगी, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश बेसिक से लेके कंप्लीट यानी A to Z पढ़ाऊंगी। ऐसा नहीं है कि मैं स्पेसिफिक किसी एग्जाम को लेकर के आपको पढ़ा रही हूँ और जितना उसके सिलेबस में आता है उतना कवर कर दिया, बिल्कुल नहीं। हमारा शुरुआत में ये रहेगा कि स्टार्टिंग में हम लोग ना सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स क्लियर करेंगे, उसके बाद हम आगे टॉपिक्स पे जाएंगे, ठीक है? तो इसमें आप समझिए कि मैंने यहाँ पे बात करी प्रेजेंट टेंस की, ओके?